नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। आदरणीय सभापति जी, यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाए। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत पक्ष है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे हैं। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है।